Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Himanshu Kumar, ये problem 3-dimensional analysis की है, the straight line chapter से. Find the conditions that the line x minus alpha upon l is equal to y minus beta upon m is equal to z minus gamma upon n may lie in the plane ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो. यानी हमें वो कंडीशन बताना है जिससे ये लाइन जो है वो इस प्लेन में हो जाए. तो वो क्या कंडीशन होगी? यानी तो इसके लिए सबसे पहले तो हम जो लाइन और प्लेन दे रखे हैं उनके इक्वेशन यहाँ पर नोट कर दें. द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमको दे रखा है x minus alpha upon l is equal to y minus beta upon m is equal to z minus gamma upon m. इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं हम. और दूसरा इक्वेशन हमको प्लेन का दे रखा है ax plus by plus cz plus d is equal to 0. इसको इक्वेशन नंबर हम 2 डाल देते हैं. अगर ये लाइन इस प्लेन पर लाई करेगी तो इसका हर एक पॉइंट इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. यानी प्लेन पर जितने भी पॉइंट होंगे वो लाइन के भी पॉइंट होंगे. मीन्स लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे वो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. तो इस लाइन पर जो पॉइंट्स हैं वो निकालने के लिए आप इसको जो रेशियो है आर के इक्वल कर दीजिए. इक्वेशन नंबर 1 को बुलाइए. इक्वेशन नंबर 1 से देख रहे हैं कि ये वाला रेशियो आर के इक्वल है, बल्कि सभी ये एक्स माइनस अल्फा अपन एल भी आर के इक्वल है, वाई माइनस बीटा अपन एम भी आर के इक्वल है, इसी तरीके से जेड माइनस गामा अपन एन भी आर के इक्वल है. सारी चीज़ें ये आर के इक्वल हैं. तो यहाँ से एक्स की वैल्यू जब हम फाइंड करने जाएंगे तो एल का पहले मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू एल आर हो जाएगी. इसी तरीके से एम का उधर इंटू करेंगे वाई माइनस बीटा की वैल्यू एम आर हो जाएगी. इसी तरीके से जेड की वैल्यू निकालने के लिए जेड माइनस गामा इज इक्वल टू एन का उधर मल्टीप्लाई कर देंगे एन इंटू आर हो जाएगा. और x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करना है तो अल्फ़ा को उधर ट्रांसपोज कर देंगे, अल्फ़ा प्लस का हो जाएगा. पहले से यहाँ प्लस के एल आर चल रहे थे, ऐसी y की वैल्यू हो जाएगी बीटा प्लस का एम आर और z की वैल्यू हो जाएगी गामा प्लस n. ये r है, ये गामा है, अलग अलग है ये. तो ये वाला पॉइंट जो है यानी ये लाइन पर जितने पॉइंट हैं वो सारे निकाल लिए. ये प्लेन पर अगर लाई करते हैं तो ये लाइन जो होगी यानी प्लेन लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे प्लेन पर अगर लाई करेंगे तो ये पॉइंट्स जो है वो इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. तो हम इनको सेटिस्फाई करा देते हैं क्योंकि हम यहाँ पर लिख देंगे कि एनी पॉइंट ऑन लाइन यानी किसी भी पॉइंट को डिनोट कर सकता है ये वाला पॉइंट. इसको हम पॉइंट के फार्म में लिख दें. लाइन जो इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट है तो उस पर ये पॉइंट ऐसे लिखा जाएगा. एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा अल्फा प्लस एल आर, वाई कोऑर्डिनेट बीटा प्लस एम आर और जेड कोऑर्डिनेट गामा प्लस एन आर. तो ये पॉइंट जो होगा वो अगर जैसे कि हमने बताया एनी पॉइंट दिस विल लाई ऑन प्लेन. ये पॉइंट प्लेन पर लाई करेगा, ये तभी करेगा इफ़ ये पॉइंट प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो हम इक्वेशन नंबर 2 में ये वैल्यू एक्स की जगह पर एक्स कोऑर्डिनेट वाई की जगह वाई कोऑर्डिनेट जेड की जगह पर जेड कोऑर्डिनेट पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में. तो इक्वेशन नंबर 2 को देख लीजिए, वहाँ पर ए इंटू एक्स है, एक्स की वैल्यू रख दें अल्फ़ा प्लस एल आर और फिर उसके बाद है प्लस बी वाई है, वाई की जगह पर रख दें बीटा प्लस एम आर, वाई कोऑर्डिनेट हमने इसके वैल्यू रख दी प्लस है सी जेड और सी इंटू जेड की जगह पर इसके कोऑर्डिनेट गामा प्लस एन आर और प्लस डी राइट हैंड साइड में ज़ीरो है. तो ये वैल्यू पुट करने के बाद ऐसे थोड़ा सा सॉल्व करें यानी ब्रैकेट ओपन करें और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम ए का अल्फ़ा में. तो ए अल्फ़ा हो जाएगा प्लस एल आर ए हो जाएगा यहाँ पर प्लस बी का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे बी बीटा प्लस का एम आर बी
प्लस इसी तरीके से सी का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सी गामा प्लस का सी एन आर सी प्लस डी इजिकल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर देखिए ए यहाँ से हम इसको जो आर वाले टर्म्स यहाँ नज़र आ रहे हैं उनको हम एक साइड लिखना चाह रहे हैं, तो आर वाले टर्म को पहले लिख दें, तो इसे लिख सकते हैं एल आर ए प्लस आर वाला ये टर्म है एम आर वी और प्लस एन आर सी। तो जो भी थे वो हमने यहाँ पर लिख रखे हैं सारे टर्म जो कि आर वाले टर्म, बाकी जिसमें आर नहीं है उन टर्म्स को लिख लें और इनको एक ब्रैकेट में कर लें आर वाले टर्म्स को और बाकी को दूसरे ब्रैकेट में कर दें। ए अल्फ़ा प्लस बी सॉरी बी बीटा प्लस सी गामा और प्लस डी और राइट हैंड साइड में ये ज़ीरो है। अब इसमें से अगर हम आर को कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा ये बचेगा हमारे पास यानी एल ए प्लस एम बी प्लस एन सी, आर को कॉमन लिया प्लस का बाकी सब एज इट लिख देंगे ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा प्लस सी गामा प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो। जैसा कि हमको मालूम है कि ये जो इक्वेशन है वो तभी ट्रू होगा जब हर एक आर के लिए ये सेटिस्फाई हो, और इस केस में ये एक आइडेंटिटी बन जाएगी, मींस ये हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगा, किसी पर्टिकुलर आर की वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि जो लाइन होती है उस लाइन पर सारे पॉइंट अगर हमें डिनोट करना है, जैसे आर की हम कुछ एक वैल्यू दे देंगे तो हमें लाइन पर एक कोई पॉइंट मिल जाएगा, ऐसे आर की कोई दूसरी वैल्यू डाल देंगे जैसे ज़ीरो डाल दी तो उस पर हमें एक पॉइंट मिल जाएगा लाइन, ऐसे आर की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू देने पर हम जितने भी पॉइंट हैं वो सारे लाइन पर ऑब्टेन कर सकते हैं यहाँ पर। और ये आर जो यहाँ पर आया है कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए नहीं, बल्कि इस पूरी पूरी लाइन जो है इस पर लाई करे, तो इसके लिए ये है जैसे कि हमने ऊपर लिखा हुआ है कि ये लाइन जो है ये कोई पॉइंट जो है वो इस पर लाई करें, यानी कोई भी पॉइंट हो इसमें सारे पॉइंट के लिए है, यानी पूरी लाइन जब लाई करेगी इस पर तो ये इस आर के कोई पर्टिकुलर एक वैल्यू के लिए नहीं बल्कि जितनी भी वैल्यू सभी के लिए ये सेटिस्फाई करेगा, और उस केस में ये आइडेंटिटी हो जाएगा। आइडेंटिटी जब हो जाएगा तो हमें इसको इस तरीके से देखना है, आर में जब ये आइडेंटिटी हो जाएगा तो फिर जिस तरीके से हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख रखा है इसी फार्म में हमें राइट हैंड साइड भी लिख लेना चाहिए, यानी लेफ्ट हैंड साइड हमारा था वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ये था एल ए प्लस एम बी प्लस एन सी इंटू आर और प्लस का था ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा प्लस डी, और राइट हैंड साइड में जो ज़ीरो है ज़ीरो को हम इस तरीके से लिख सकते हैं ज़ीरो इंटू आर प्लस का ज़ीरो, इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि ये इक्वेशन जो है वो एक आइडेंटिटी हो चुका है, क्योंकि ये आर की हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो रहा था इसलिए। और ऐसे केस में जब इनको कंपेयर करेंगे यानी ये वैल्यू जो होगी इसके बराबर हो जाएगी और ये वैल्यू जो होगी इसके बराबर हो जाएगी ऑन कंपेयरिंग सेंस, चाहे इसको एक लिख दें सिंस दिस इज़ एन आइडेंटिटी, यानी बतौर फार्मूला जैसे होता है इस तरीके से कह सकते हैं आइडेंटिटी, ये एक आइडेंटिटी है इसलिए जो आर का जो कोएफिशिएंट हुआ एल ए प्लस एम बी प्लस एन सी उधर आर का जो कोएफिशिएंट है ज़ीरो इसके बराबर होगा, ऐसे ही जो कांस्टेंट इधर जुड़ रहा है उधर कांस्टेंट जो जुड़ रहा है उसके बराबर होगा, यानी ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा प्लस का सी गामा और प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये कंडीशन रिक्वायर्ड कंडीशन थी, तो हम लिख सकते हैं दीज आर दी दो कंडीशन है ये कंडीशंस का इसलिए फॉर दी लाइन वन यानी स्ट्रेट लाइन वन जो है वो लाई करेगी लाई इन दी प्लेन जो इक्वेशन नंबर टू से डिनोट है प्लेन उस पर लाई करेगी, यही हमको यहाँ पर कंडीशन फाइंड करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी वाखरुद्दाबाना अलहमदुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।